निकलो बाहर, इन सब बातों से बाहर निकलो, इन सब बातों से बाहर निकलो, ये सब डिस्टर्ब कर रही हैं चीजें तुम्हें, तुम्हें नहीं जरूरत है इन सब चीजों की, इसके बिना सेलेक्ट हो जाओगे तुम। आप बहुत बड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम में फंसे हो जिसको बोला जाता है फोमो। कुछ क्वालिटी होती है जो इंसान को, जो भी इंसान ऊपर जाता है उसके अंदर क्वालिटीज होती है, उसके अंदर हंगर है, भूख है कि मैं सब सीखूंगा, सब करूंगा। आज रविवार है, मैं उसको अभी कॉल करूंगा, वो अभी भी काम कर रहा होगा, रात के 2 बजे भी उसे कॉल करो, उठ के बोलेगा हाँ सर क्या काम है। आज मैं उसको रात को 3 बजे कॉल करूंगा कि बेटा ये काम है, कहेगा हाँ क्या काम है, मैं अभी करता हूँ, और रात के 3 बजे उठेगा, दोपहर के 3 बजे तक वो काम करता रहे। ये क्वालिटीज होती है लोगों के अंदर। लो एक बच्चे का और मैसेज आ गया, IT Delhi मिल गया। ये भी अपने यहाँ का बच्चा, लक्ष्य से पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर, 99.9% आई लाए थे इसके मेंस में। अभी मैसेज आया, IT Delhi आ गया सर, जस्ट अभी मैसेज है। अभी व्हाट्सएप मैसेज किया, IT Delhi आ गया। ये फील समझ रहे हो, देखो अभी इसने वीडियो भेजा बना के। IT Delhi का वीडियो बना के भेजा है इसने, कितना खुश है। निकलो बाहर, इन सब बातों से बाहर निकलो, इन सब बातों से बाहर निकलो, ये सब डिस्टर्ब कर रही हैं चीजें तुम्हें, तुम्हें नहीं जरूरत है इन सब चीजों की, इसके बिना सेलेक्ट हो जाओगे तुम। बेटा इन सब चीजों से आप बाहर निकलो, आप बहुत बड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम में फंसे हो जिसको बोला जाता है फोमो। आजकल देखो ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है आजकल, फोमो, और आप इसी का शिकार हो। फोमो क्या होता है अगर आप आजकल देखो तो, आजकल की जो जनरेशन है वो इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल करती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब कई बार आपको ये लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज पार्टी में नहीं गया, शाम को पार्टी थी, या मैं अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखने नहीं गया, सारे दोस्त मूवी देखने गए, तो इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है कि आप मिस हो गए, आप खो गए, आपने कुछ ऐसी चीज छोड़ दी, आपसे मिस हो गई जो बड़ी अच्छी थी, बड़ी जरूरी थी, जो सब कर रहे हैं अगल बगल, और उसके बिना जीवन आगे नहीं चल पाएगा, और उसके बिना आपका जीवन में भला नहीं हो पाएगा, उसके बिना आप जीवन में बड़े इंसान नहीं बन पाओगे, उसके बिना आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे, उसके बिना आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप धीमे धीमे एक हीन भावना का शिकार हो जाते हो, आपको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इस पर्टिकुलर बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा पाया, मुझे इतने अच्छे मॉड्यूल नहीं मिले, मैं ये पिक्चर नहीं देख पाया। तो इस फोमो से आप बाहर निकलो, बहुत सी चीजें समाज में ऐसी हो रही है जो आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे होंगे, फोटोज डाल रहे होंगे, रील्स डाल रहे होंगे, पर असल में उनकी लाइफ में उससे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है? एक बार इंसानों की तरह, बंदरों की तरह नहीं, एक बार इंसानों की तरह अपने दिल से पूछो और सोच के बताओ क्या वैल्यू एडिशन है। कोई वैल्यू एडिशन नहीं, तो अपने जीवन में वही चीजें करो जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। इस तरह के फोमो का शिकार नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी देखनी है आपके अंदर, मुझे एक नौजवान, एक सेना के जवान वाला आपके अंदर जोश देखना है, डेडिकेशन देखना है, त्याग देखना है, निष्ठा देखनी है, लगन देखनी है मुझे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। भारत का मिसाइल मैन कौन है? इनको सल्यूट करना चाहिए, APJ अब्दुल कलाम। अखबार बेचने से लेके अखबार के पहले पेज पे अपनी फोटो आई है उनकी। From selling newspaper to getting his photo printed on the first page of national newspaper,